विजुलाइजेशन करने से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, ऐसा कहना कहाँ तक सही है? और आखिर ये विजुलाइजेशन होता क्या है और विजुलाइजेशन करते क्या हैं? हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, वेल्कम टू सीक्रेट आस्था। हाय मायसेल्फ आस्था, मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जो कि हर छोटे छोटे छोटा बच्चा भी समझ जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है सीक्रेट आस्था। अभी मैं बहुत ही बढ़िया एक वर्कशॉप लॉन्च कर रही हूँ जिसका नाम है मनी वर्कशॉप, जिसमें कि अगर आपको मनी ब्लॉकेज है, मनी मैनिफेस्ट करना है, किसी ने आपसे मनी ले लिया है मगर वो आपको वापस नहीं कर रहा और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बहुत सारे पैसे बट वो किसी वजह से मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप मेरी उस वर्कशॉप में शामिल हो सकते हैं। ये वर्कशॉप 30 सितंबर को होने वाली है और 28 सितंबर तक ही लास्ट डेट है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और वर्कशॉप की सारी डिटेल आपको स्क्रीन में आ रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है विजुलाइजेशन किस तरीके से करना है। आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके साथ मैं शेयर करूँगी यहाँ पे टॉप 3 सीक्रेट टिप, जो कि विजुलाइजेशन करने में सुपर इजी हैं। अगर आपको मेडिटेशन बिल्कुल पसंद नहीं है या आपका मेडिटेशन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है या आप ज़्यादा देर तक मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो इन 3 स्टेप से आप विजुलाइजेशन कर सकते हो बिना मेडिटेशन के। मेरी टंग थोड़ा स्लिप हो रही है, थोड़ा रोल हो रही है, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं वर्ड को अच्छे से समझाने की आप लोग को पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो विजुलाइजेशन किस तरीके से करते हैं ये आपको जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो क्या करना है ना, सबसे पहले तो अगर आपका मन नहीं लगता ना मेडिटेशन में, बिल्कुल भी मत करो। मैं बोल रही हूँ ना यूट्यूब में, बिल्कुल भी मत करो। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लगता ना, सिंपली मत करो। अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे रहो, बट ऑफकोर्स एक चीज़ ज़रूर करो, पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। सिचुएशन को अपने हिसाब से करने की कोशिश मत करो, लेट गो करो। सिचुएशन ऑलरेडी आपके हिसाब से हो जाएगी। जस्ट विजुलाइजेशन करके आप सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हो। वो कैसे करना है चलो शुरू करते हैं आज का पहला स्टेप। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता ना, तो रात को सोने से पहले जब आप अपने बिस्तर पे आराम से लेटते हो ना, खाना पीना खा के, वॉक करके, क्योंकि खाने के बाद अक्सर आदत होती है ना कि थोड़ा बहुत वॉक कर लो, क्योंकि प्लीज़ ये बहुत अच्छी आदत है, इसको अपनाओ। खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं चाहिए, एटलीस्ट 20-30 मिनट तक आपको वॉक करनी चाहिए। अगर आंगन में कर सकते हो तो वैलन गोड रोड पर कर सकते हो तो और भी सही, और नहीं तो अगर आप नहीं जा सकते तो अपने रूम में किचन से लेके हॉल तक आप वॉक ज़रूर करो, 10-12 स्टेप चला करो। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा और जो खाना है वो कम्प्लीटली नीचे चला जाएगा आपके पेट तक, तो आपको फिर एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम रात को नहीं होगी। ये बहुत अच्छी टिप थी, मैंने आप लोग को फ्री में दे दी यार, तालियां बजाओ मेरे लिए। दूसरी चीज़ तो ये कि आप विजुलाइजेशन कैसे करना है। रात को आप सो रहे हैं, आराम से आप अपने बिस्तर पर लेट जाएँ और फिर जस्ट विजुलाइज करें। आँख खोल के भी कर सकते हैं, आप आँख बंद करके भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने रूम में डिस्टर्बेंस लग रहा है तो ईयरफोन अपने कानों में लगा लो और कोई भी बहुत ही सूदिंग म्यूज़िक यूट्यूब में लगा लो। उसके बाद अपनी आँखें बंद करने में कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं कंफर्टेबल हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप आँखें खोल के भी विजुलाइजेशन कर सकते हो। अब तो ये सिचुएशन उनके लिए है जो जिनको सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अब जिनको सुबह टाइम मिलता है और बाकायदा मॉर्निंग पर्सन है, तो आप क्या कर सकते हैं, पालथी मार के आराम से एक जगह बैठ जाइए और आंखें बंद कीजिए। अगर आपको आंख बंद करने में अच्छे से विजुलाइजेशन होता है, आपको आंख बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आराम से आप बैठ जाओ। इसके बाद एकदम क्वाइट प्लेस होनी चाहिए, ठीक है, बस सामने कोई पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे। और आप हो सके कोशिश करें तो टेरेस में टेरेस में पालथी मार के विजुलाइजेशन कर सकते हो। विजुलाइजेशन के अंदर आप जैसे विजुलाइजेशन में घुसोगे ना, आपका ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो जाएगा। विजुलाइजेशन करने में आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपनी बॉडी को फोर्स कर रहे हो कोई चीज़ करने के लिए। क्योंकि जब मेडिटेशन करते हैं ना, बहुत शिकायत होती है कि थॉट आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको विजुलाइजेशन के टाइम नहीं होगी। पहला स्टेप ये है कि आपको बहुत ही क्वाइट प्लेस चुननी है विजुलाइजेशन करने के लिए। या तो आप बिफोर इसको सोने से पहले कर सकते हो, या फिर अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो और आप हाउसवाइफ हो और आपको मॉर्निंग का टाइम काफ़ी इनफ मिल जाता है, तो आप उस टाइम विजुलाइजेशन करने के लिए चुन सकते हो। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करना है। थर्ड आई चक्रा क्या होता है, यहाँ पे सारे लोगों को पता है, अपने माथे के सबसे बीच में उंगली रख के देखो, वहाँ पे आपको एक पॉइंट नज़र आएगा, वो होता है थर्ड आई चक्रा। तो उसने आपको आंखें बंद करके सिर्फ ये महसूस करना है कि आपको एक सफ़ेद कलर की रोशनी नज़र आ रही है। आँख बंद करोगे, एक मिनट करोगे,
या एक मिनट से कम भी करोगे तो भी आपको एक वाइट कलर की लाइट नज़र आ जाएगी आपकी विजुलाइजेशन प्रोसेस में। उसी बीच आपको अपना खुद का फेस देखना है, आँख बंद करते हुए अपनी खुद की एक इमेज देखनी है जो कि एक बहुत हैप्पी इमेज होनी चाहिए, जिसमें आप खुश हो और आपके पास आपका मन चाहा पैसा है, आपका मन चाहा जीवन साथी है। ये चीज़ों को आपको विजुलाइजेशन करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इतना तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एक दिन, दो दिन, तीन दिन आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन चौथे दिन से आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे और कोई भी चीज़ विजुलाइज आराम से कर पाओगे। थर्ड स्टेप है कि आपको सबसे पहले तो, अगर ये बात की जाए थर्ड स्टेप की, तो आप इसे फर्स्ट स्टेप के बाद कर सकते हो कि सबसे पहले आप ये सोचो कि आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। एक बार में एक विश मैनिफेस्ट करोगे तो बर्डन कम होगा और जल्दी से चीज़ें आकर्षित करने में आपको आसानी होगी। बहुत से लोग सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में विजुलाइजेशन कर लेते हो तो ये फिर बहुत दिक्कत देता है उनको भी, और फिर विजुलाइज नहीं कर पाते। अब मैं रिपीट करती हूँ तीनों पॉइंट की क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक क्वाइट प्लेस ढूंढ लेनी है जिसमें आप आराम से विजुलाइजेशन करने के लिए बैठ सकते हो या फिर रात को सोने से पहले भी कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको करना है कि आपको ना सोच लेना है कि आपको क्या विजुलाइज करना है। हैप्पी मैरिज विजुलाइज करनी है, किसी के साथ रिश्ता अच्छा करना है, किसी का कॉल चाहिए, किसी का टेक्स्ट चाहिए, या फिर मनी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, एक्स वाई जेड, जो भी आपकी डिज़ायर है उस चीज़ को पहले सोच लेना है। देन थर्ड पॉइंट में आपको उस चीज़ों को अपनी थर्ड आई चक्र पर विजुलाइज करना है कि ये चीज़ें आपके पास आ गई हैं। ये बिल्कुल भी बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि उनको पहले दिन ही सारी की सारी चीज़ें विजुलाइजेशन में दिखनी शुरू हो जाएं, और कुछ लोगों के साथ होता है कि एक हफ्ते भी लग रहे हैं, दो हफ्ते भी लग रहे हैं, बट गिव अप नहीं करना है। विजुलाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे काम करती है पर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक मिलती हूँ अगले किसी वीडियोज़ में। बाय।